राधे राधे। आप सभी को नानी बायरो मायरो में दर्शन शर्मा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी हाँ, नानी बायरो मायरो अध्याय 2 में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर नरसी जी ने 52 बार, जी हाँ, हमारे ठाकुर जी ने नरसी जी को 52 बार दर्शन दिए, उनकी मदद की, क्योंकि उन्हीं का कहना था कि जब भी आप केदार का राग गाओगे मैं आपकी आकर मदद करूंगा, और 52 बार नरसी जी की मदद की हमारे ठाकुर जी ने। वो अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अब जो अध्याय है, जिस अध्याय में हम वापस आ रहे हैं, यहाँ पर हमने नरसी जी का परिचय दिया था कि नरसी जी की बेटी है नानी बाई, और नानी बाई की बेटी का विवाह होने जा रहा है। लगुन जब लिखा गया तो नरसी जी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि नरसी जी गरीब हैं, उनके लायक नहीं है। अंजार नगर में यदि नरसी जी जाते हैं तो श्रीरंग जी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, कि श्रीरंग जी का समधी नरसी ऐसा। ये सब विचार जब आया तो उन्हें बुलाया ही नहीं। जी हाँ, अब सरपंच एकत्रित हुए कुकू पत्रिका के लिए। सभी पंचों ने फैसला किया कि पहली कुकू पत्रिका आपके गणेश जी को जाएगी। जी हाँ, हमारे गणेश जी को जाएगी, क्योंकि हमारे भोलेनाथ ने ये वरदान दिया था गणेश जी को कि जब भी, जी हाँ, जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो उस शुभ कार्य में पहली पूजा अर्चना हमारे गणेश जी की होगी, तभी वो कार्य सफल होगा, संपन्न होगा। ये पहले से ही चलते आ रहा है और आज भी मान्यता है कि जो भी कार्य किया जाएगा वो संपन्न होगा गणेश जी के द्वारा। दूसरी जो हमारी कुकु पत्रिका दी गई, वो कुकु पत्रिका हमारी गई किसको? नरसी जी को। आप दूसरी कुकु पत्रिका नरसी जी को दीजिए। जी हाँ, नरसी जी कृष्ण भक्त, राधा भक्त, कृष्ण। अब जब कृष्ण नरसी जी की बात आई तो पूरे घर में भड़कम मच गया। पंच तो कह के चले गए, लेकिन जो फैमिली है, यानी कि श्रीरंग जी, उनकी पत्नी देवर नारायण, उसकी बहनें, सब आपस में बुरी तरह से करने लगे कि श्रीरंग नहीं, नरसी जी नहीं आना चाहिए। श्रीरंग जी बोले कि नरसी नहीं आना चाहिए। अब क्या था, नानी बाई की सास बोली नरसी नहीं 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 नहीं, नरसी को झेलना बहुत बड़ी बात होगी, वो यहाँ नहीं आने चाहिए। बस नारायण जो देवर था सबसे छोटा, कहता है नरसी वो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अरे शर्म आती है उनको देख करके। महाराज कितने बड़े बड़े बोल, सब बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं नरसी जी के लिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि नरसी आना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। महाराज अब देखिए ऐसे में क्या होता है, दादी आती है मंदिर से,
हिलते ढुलते हिलते ढुलते क्या हुआ क्या हुआ, अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ। नारायण से पूछती है, नारायण नारायण हो तू ही बता दे मुझे क्या हुआ। दादी मुझसे तो बहुत ही मत करो, नहीं करूँगी। अब वो बहू के पास जाती है, बहू 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 भी नहीं सुनना चाहती। अब दादी घर में प्रवेश कर गई हैं, एक एक से प्रश्न करेंगी, वो सब किस प्रकार उसको प्रश्नों के जवाब देंगे अगले अध्याय में देखते हैं। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा अगले प्रश्न में मिलूंगी। राधे राधे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और नानी बायरो मायरो के प्रसंग सुनते रहिए। कहते हैं कि कथा सुनने से भी बहुत कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं बहुत ही अच्छा होता है। राधे राधे।